अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी कंप्लीट एक्सरसाइज 5.4 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। नाउ वी विल कंप्लीट रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। आपके स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये एमसीक्यूज हैं, तो एमसीक्यूज हम करते हैं। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज में। आपके पास पहला एमसीक्यू है, द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 आर। इसके फैक्टर्स बनाने हैं। आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करें, तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई आए और ऐड करने से ये मिड वाली चीज आए। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करके 6x स्क्वायर आने चाहिए और प्लस माइनस करके माइनस 5x आना चाहिए। तो अगर आप देखें, हम 6x लेते हैं, अगर माइनस 6x और उसके साथ, अगर मैं यहां आपको रफ में बताऊं कि फर्ज करें आप इसके साथ ले लें माइनस 6x प्लस एक्स प्लस 6। अब देखें प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का, तो ये माइनस 5x सही बन रहा है, लेकिन अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा माइनस 6x स्क्वायर, लेकिन मल्टीप्लाई में आपको चाहिए प्लस 6x स्क्वायर। इसका मतलब है ये हमारे पास सही, उसकी मिड टर्म ब्रेक सही नहीं हुई। तो सेकेंड ऑप्शन 6 किसके टेबल में आता है, हमें पता है 3 2 6 होता है। तो अगर हम माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 लिखें, तो देखें माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है माइनस 5x हो गया, और 3 2 6 होता है, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई होने से प्लस हो जाता है। इसका मतलब ये आपके पास मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक हुई है। एक्स माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज होंगे। मैंने आपको बताया था अगर ये वाली वैल्यूज ठीक आए, मतलब सेम आए, तो इसका मतलब आपकी मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक हुई है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन है आपके पास। तो इसमें आपके पास है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद अगला इसका सेकेंड पार्ट है फैक्टर्स ऑफ 8x³ प्लस 27y³। यह आपको देखने में ही पता चल रहा है कि क्यूब का फॉर्मूला है 8x³ प्लस 27y³। हमें पता है 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, और 27 3 का। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया a³ प्लस b³। a³ प्लस b³ बराबर होता है a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस a b प्लस b का स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। तो अगर आप देखें इसमें आपके पास कौन सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन 2x प्लस 3y 4x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। इसका मतलब सी इज द राइट ऑप्शन। अगला पार्ट देखते हैं, ये हमने फर्स्ट और सेकंड सॉल्व किया है, अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसकी भी आपने फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टर्स बताने हैं। तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास 6x स्क्वायर आना चाहिए और प्लस माइनस करने से माइनस एक्स यानी माइनस 1x आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपके पास जब प्लस माइनस में यहां 1 आना चाहिए, इसका मतलब करीब की ही आपस में मल्टीप्लाई हो तब ही 1 आता है। तो 3 2 6 होता है, तो अगर हम माइनस 3x प्लस 2x करें तो ये देखें प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, 3 में से 2 गए 1, तो ये आ गया आपके पास माइनस एक्स, और मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 6x स्क्वायर, तो ये आपको पास 6x स्क्वायर ही बच रहा है। तो इसका मतलब ये आपके पास ठीक फैक्टराइजेशन हुई है। 3x कॉमन तो अंदर आपके पास बचा x माइनस 1, प्लस 2 कॉमन तो x माइनस 1, दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये आपके पास मिड टर्म ब्रेक बिल्कुल ठीक हुई है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है 3x प्लस 2 और x माइनस 1। तो ये आपके पास डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, फैक्टर्स ऑफ ए फोर माइनस फोर बी फोर। ए फोर माइनस फोर बी फोर, अगर आप देखें तो हम ए स्क्वेयर का स्क्वेयर लिख सकते हैं माइनस टू बी स्क्वेयर का स्क्वेयर, ये लिख सकते हैं। अब आप देखें ये आपके पास फॉर्मूला बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। अब अगर आप देखें ये आपके पास फॉर्मूला तो बन रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसको आप दोबारा भी ए प्लस बी और ए माइनस बी में कर सकते थे। अगर टू भी आप टू की जगह आपके पास यहां फोर होता तो इसका मतलब फोर जो है वो आपके पास टू का स्क्वेयर होना था। अब देखें बी स्क्वेयर का तो स्क्वेयर हो जाएगा, टू का स्क्वेयर नहीं होगा, इसका मतलब ये फर्दर आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए यहीं तक जो है इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो इसकी राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ए स्क्वेयर माइनस टू बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस टू बी स्क्वेयर। हमने पहले प्लस लिखा है बाद में माइनस लिखा है, इन्होंने पहले माइनस लिखा है बाद में प्लस लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला आपके पास फिफ्थ एमसीक्यू है, नाइन ए स्क्वेयर माइनस ट्वेल्व ए बी, व्हाट विल बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वेयर। इसको स्क्वेयर में कंप्लीट करने के लिए यानी फॉर्मूला बंद करने के लिए हमें यहां क्या चीज ऐड करने की जरूरत है। अगर आप देखें ये आपके पास ए है माइनस टू फॉर्मूले का ए, और बी की जगह आप देखें थ्री टू जा सिक्स, सिक्स इसका मतलब टू की यहां कमी है टू और साथ बी, तो इसका मतलब बी आपके पास जो है वो टू बी है और यहां बी का स्क्वेयर होगा, तो इसका मतलब है आपने इसको कंप्लीट स्क्वेयर बनाने के लिए हमें क्या ऐड करने की जरूरत है, ये यानी फोर बी स्क्वेयर आपको ऐड करने की जरूरत है ताकि ये आपके पास थ्री ए माइनस टू बी का होल स्क्वेयर आपके पास एक कंप्लीट स्क्वेयर बने। तो आपने क्या चीज ऐड करनी है, फोर बी स्क्वेयर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। अगला एमसीक्यू भी इसी तरह का है रिलेटेड, कि आपके पास एम फाइंड आउट करना है अगर आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस एम। अब आपके उसने पूछा एम क्या चीज आप ऐड करेंगे कि ये आपके पास एक कंप्लीट स्क्वेयर बने, तो इसको भी इसी तरह करेंगे ए प्लस टू फॉर्मूले का बी, ए तो बी इसमें क्या होगा टू, तो ये देखें टू टू जा फोर, फिर फोर एक्स बनता है, तो इसका मतलब एम जो है वो टू का स्क्वेयर, तो इसका मतलब ये फोर आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास कंप्लीट स्क्वेयर बनेगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अब इसका सेवंथ एमसीक्यू है, सेवंथ एमसीक्यू में भी फैक्टर्स है फाइव एक्स स्क्वेयर माइनस सेवनटीन एक्स वाई माइनस ट्वेल्व वाई स्क्वेयर। अगेन आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है तो कैसे करेंगे, ट्वेल्व फाइव जार सिक्सटी, मल्टीप्लाई करें तो सिक्सटी और प्लस माइनस करें तो सेवनटीन। अब मैंने आपको एक्सरसाइज कराते हुए इसका एक तरीका बताया था कि हम किस तरह देखेंगे कि हम कौन सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है जिसे हम चेक कर सकते हैं। इसका अगर आप देखें तो ये 5 ही है लेकिन 12 जो है इसके मल्टीप्लाई किससे आता है, 4 और 3 से। इसका मतलब है कि आपने मल्टीप्लाई करके 60 लाना है और प्लस करके 17 लाना है। तो अगर आप देखें हमारे पास ये कॉम्बिनेशन है, अगर हम करें 5 4 ट्वेंटी और ट्वेंटी को थ्री से मल्टीप्लाई करें तो सिक्सटी आ जाएगा, और ट्वेंटी में से थ्री माइनस करें तो आपके पास सेवनटीन आ जाएगा। इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन आपका ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं कि क्या ये ठीक है, फाइव एक्स स्क्वेयर साइन माइनस सेवनटीन एक्स वाई, तो माइनस ट्वेंटी एक्स वाई प्लस थ्री एक्स वाई और मल्टीप्लाई करें तो ये सिक्सटी माइनस सिक्सटी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर बनता है, और यही हमें चाहिए मल्टीप्लाई करके, और एंड में आ जाएगा सॉरी माइनस ट्वेल्व वाई स्क्वेयर। फाइव एक्स कॉमन, एक्स माइनस फोर वाई प्लस थ्री वाई कॉमन, एक्स माइनस फोर वाई, फाइव एक्स प्लस थ्री वाई
और x माइनस 3y, ये इसके फैक्टर्स हैं, x माइनस 4y, ये इसके फैक्टर्स हैं 5x प्लस 3y और x माइनस 4y. तो इसकी राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, x माइनस 4y और 5x प्लस 3y. लास्ट एमसीक्यू है, फैक्टर्स ऑफ 27x³ माइनस 1/x³. इसके फैक्टर्स बनाना है यानी फैक्टराइज करना है. हमें पता है 27 3 का क्यूब होता है और ये आ जाएगा. अब आप देखें, ये आपके पास आ गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब. अगेन आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर. सिंप्लीफाई करें, 3x माइनस 1/x, 9x स्क्वायर, ये x x से कट गया, प्लस 3 प्लस 1/x स्क्वायर. तो इसमें आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जिसमें है 3x माइनस 1/x, 9x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1/x स्क्वायर. इस तरह ये आपके पास एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट हो गए. इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है. आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसको ट्राई जरूर करें, क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन करने से आपको फैक्टराइजेशन अच्छी तरह आएगी. अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के. आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, पार्ट 5 और पार्ट 9 जो है वो आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है, हम वो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज. आपको सिर्फ लिखा आएगा फैक्टराइज. अब हमने देखना है कि ये कौन सी टाइप है. सबसे पहले टाइप में देखने से पहले सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं. तो क्या आपके पास इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो इसमें से 4 कॉमन आ रहा है. पहले हम 4 कॉमन लेंगे, तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर. अब देखें, ये ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बन सकता है, क्योंकि 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है. तो हम करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो आपके पास ये फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के. तो आप इसको एक दफा प्लस में खोल लेंगे एक्स प्लस 2y, और एक दफा खोलेंगे माइनस में एक्स माइनस 2y, और इन दोनों के साथ 4 जो आपके पास कॉमन आया था वो शुरू में कॉमन ही रहेगा. अगला पार्ट इसका फिफ्थ पार्ट है, वो हम करते हैं. देखें, कॉमन नहीं आ रहा और ये क्यूब है. क्यूब का मतलब है, अगर हमारे पास ये क्यूब की शक्ल में आ जाएगा तो इसका मतलब सिंपल हम क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर क्यूब में क्यूबिक पॉलीनोमियल हो और क्यूब ना बन रहा हो तो फिर हम उसको फैक्टर थ्योरम से करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से. तो ये 8 भी क्यूब है 2 का और 27 3 का क्यूब है. इसका मतलब इसमें हम क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे. आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अगर यहां माइनस होता है तो फॉर्मूले में सिर्फ शुरू में माइनस आता है, बाकी सारा प्लस होता है. और अगर यहां प्लस हो तो यहां प्लस होता है, सिर्फ माइनस ए बी होता है. तो इसको खोल लेंगे, ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1/3y, 4x स्क्वायर प्लस 2x/3y प्लस 1/9y स्क्वायर. तो ये इसकी रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन है. अब इसका हम 9 पार्ट करते हैं, 1 माइनस 12p³ प्लस 36p²q². सबसे पहले ये 3 वैल्यूज है, हमने कॉमन देखा, कॉमन नहीं आ रहा, 2 का पेयर नहीं. इसका मतलब अगर हम इसका देखें तो क्या ये कंप्लीट स्क्वायर बनता है. अगर देखें 36 6 का स्क्वायर होता है और 6 2 जा 12 होता है, तो इसका मतलब ये 2ab और ये प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये कंप्लीट स्क्वायर बन सकता है. तो हम उस पर ट्राई करते हैं. ये अगर a का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का a और b आपके पास आए 6pq का स्क्वायर, तो b की जगह आप लिख देंगे 6pq. तो क्या ये 6 2 जा 12 माइनस 12pq बन रहा है?
इसका मतलब ये फॉर्मूले की एक साइड बन गई, हम इसको दूसरी साइड यानी a माइनस बी का स्क्वायर में हम इसको लिख सकते हैं। और हमें पता है a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस तरह ये आपके पास एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और हमारा आज चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हुआ। होप कि आपको फैक्टराइजेशन समझ आई होगी, ये भी समझ आया होगा कि किस तरह आपने क्वेश्चन को देख के आइडिया लगाना है कि इसकी किस तरह फैक्टराइजेशन होगी, कौन से टाइप की है। फैक्टराइजेशन में सबसे पहले आपने ध्यान में रखना होता है कि सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं, अगर तीन वैल्यूज हैं या दो वैल्यूज हैं। अगर चार वैल्यूज में से भी इकट्ठा कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेते हैं, वरना टू टू के पेयर्स में से भी हम कॉमन निकालते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोई फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कुछ भी बन रहा हो, ए स्केयर माइनस बी स्केयर बन रहा है तो उसको फिर एक दफा प्लस में ए प्लस बी और एक दफा माइनस में ए माइनस बी में लिखते हैं। या अगर आपके पास ए स्केयर प्लस टू ए बी प्लस बी स्केयर या ए स्केयर माइनस टू ए बी प्लस बी स्केयर इस तरह बन रहा हो तो हम फॉर्मूला इस तरह बंद कर देते हैं। फिर अगर आपके पास ये चीज भी ना आ रही हो फिर हम उसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक में आपके पास ये स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आएगा तो चांसेस होते हैं कि आपके पास मिड टर्म ब्रेक हो। मिड टर्म ब्रेक में भी मैंने आपको बताया था जिसमें एक में आपके पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होता है वो वन होता है, वो इजी है। दूसरे में जिसमें एक्स स्क्वायर के साथ कोई ना कोई कॉन्स्टेंट होता है, वन की बजाय कोई और कॉन्स्टेंट लगा होता है, उसका कोफिशियंट जो है वो कुछ और होता है, तो उसको करने के भी मैंने आपको तरीके बताए। फिर हम चेक करते हैं अगर आपके पास क्यूब हो तो क्यूब के दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला ये है कि आपके पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब बने, और एक है आपके पास ए माइनस बी होल क्यूब बने जिसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी माइनस बी क्यूब। फिर अगर आपके पास क्यूब में पता चल जाता है कि अगर वो क्यूब की शक्ल में यानी 27 जैसे 3 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब है, अगर इसकी जगह कोई और वैल्यू होती है जो किसी का क्यूब नहीं होता, फिर हम उसको क्यूबिक पॉलीनोमियल को रिमाइंडर थ्योरम से यानी फैक्टर थ्योरम से जो आपके पास 5.4 में आप पढ़े थे फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करते हैं, यानी उसको मुख्तलिफ हिट एंड ट्रायल मैथड से जो है अप्लाई करके एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करके। और वो भी मैंने आपको बताया था हम जो लास्ट उसका कॉन्स्टेंट होता है उसमें हम देख के पता कराते हैं, जो उसके मल्टीपल होते हैं हम उनसे उनको ट्राई करके हिट एंड ट्रायल मेथड से उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। होप कि आपको फिफ्थ चैप्टर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 13 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।